हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक हार्मफुल इफेक्ट्स और बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिया। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि कभी कभी जैसे कि हम लोग बाहर खाना रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और उन माइक्रोब्स के थ्रू कभी कभी इतनी ज्यादा बुरी चीज हो जाती है, जैसे कि कभी कुछ डिजीज हो जाती है, या फिर इट मे लीड टू डेथ ऑल्सो। समटाइम्स फूड पॉइजनिंग मे लीड टू डेथ ऑल्सो, ओके, इन सीवियर केसेस। तो इससे ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस फूड पॉइजनिंग कॉजेज सीरियस इलनेस, समटाइम्स डेथ, बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस भी हमें कॉज कर देते हैं, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। नाउ फूड प्रिजर्वेशन केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स के थ्रू फूड प्रिजर्वेशन कैसे होती है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स से। प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि जो फूड को ठीक ठाक रखने में हमारी हेल्प करते हैं, जो फूड को प्रिजर्व रखने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देना, ठीक है, वो चीज हमारी हेल्प करती है। सो ऐसे ही कुछ मेथड्स हमें आगे दे रखे हैं, जैसे कि सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, इसीलिए सॉल्ट्स और कुछ ऑयल्स भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं जनरली प्रिजर्वेटिव्स, ओके। तो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम, ये आपको वन मार्कर में पूछा जा सकता है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताओ, तो क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज करे जाते हैं फूड को प्रिजर्व रखने में, दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ओके। सो नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब कि अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़ेंगे बाय अलग अलग चीजों से, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, हाई या कोल्ड टेम्परेचर हो गया, टाइट पैकिंग हो गई, तो इन सब चीजों से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे कि भाई हम प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं फूड की। सो अगर बात करें कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से हम किसी चीज को प्रिजर्व करना चाहें, तो क्या, पहली बात तो ये जो मेथड है वो किसको प्रिजर्व करने के काम में आता है, मीट, फिश और आमला, टैमराइंड, रॉ मैंगोज, इन्हें भी, मतलब कि मीट और फिश के साथ साथ ये तीन चीजों को भी प्रिजर्व करने के काम में आता है सॉल्ट, ओके। कवर्ड विद सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इन चीजों को सॉल्ट से ढक दिया जाता है ताकि उस पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, ओके। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों होता है कि सॉल्ट या शुगर जो होती है वो प्रिजर्व करती है फूड को? देखो, कोई भी चीज क्यों सड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, कुछ भी फूड है तो वो कुछ लिक्विड कंटेन करती है, ओके। अब जैसे कि माइक्रोब्स हैं, उनके पास लिक्विड है, बट सॉल्ट में देयर इज नो लिक्विड प्रेजेंट, तो वो अपना सारा लिक्विड यहाँ पे आके छोड़ देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो क्या होता है कि जो वाटर की या फिर गैस की मूवमेंट होती है वो हाई से लो की तरफ पे होती है, मतलब कि अगर यहाँ पे ज्यादा पानी है तो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है या फिर लो पानी है, बहुत ज्यादा, मतलब लो अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अब ये लो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, या फिर नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाई अमाउंट किस में हो गया, माइक्रोब में हो गया। हम कंपेयर की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वो जब भी माइक्रोब सॉल्ट पे आएगा तो वो अपना सारा वाटर लूज कर देगा, क्योंकि वो अपना सारा वाटर इसको देने की सोचेगा, भाई हाई से लो पे मूवमेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट इसके पीछे की जो साइंस है मैं आपको वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ,
तो जब वो माइक्रोब या बैक्टीरिया कुछ भी है, जब वो अपना सारा वाटर लूज कर देगा अपनी बॉडी का, तो वो माइक्रोब वहीं पे डाई हो जाएगा और वो आगे हमारे जो मतलब फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उन पे अटैक नहीं कर पाएगा. ओके, दिस इज कॉमन सॉल्ट का मेथड. अच्छा, इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस चीज को प्रिजर्व करने के काम में आता है. जैसे कि स्पेशली मीट और फिश को प्रिजर्व करने के काम में आता है ये, बट उसके साथ साथ आमला, टैमराइंड और रॉ मैंगोस को भी प्रिजर्व करने के काम में आता है. अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से कैसे प्रिवेंट करते हैं, और पहले तो क्या क्या प्रिवेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस को हम क्या करते हैं शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं. इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये जो है वो मॉइस्चर का कंटेंट रिड्यूस कर देता है, जैसे सेम हमने सॉल्ट में पढ़ा, ठीक है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ फिर वहां पे नहीं हो सकती, वो फिर इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ओके, नाउ थर्ड वन इज ऑयल एंड विनेगर. ऑयल एंड विनेगर कैसे प्रिजर्व करते हैं? ऑयल और विनेगर एक ऐसी चीज है जहां पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, या अगर ग्रो होंगे भी तो उनको बहुत टाइम लगेगा ग्रो होने में, ठीक है. ये एक ऐसी चीज है जहां पे इस एनवायरमेंट में माइक्रोब्स या कोई भी टाइप का बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, वो खुद पे खुद किल हो जाएगा. ओके, सो बिकॉज बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो इन सच एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट को प्रिजर्व किया जाता है बाय ऑयल एंड विनेगर. सो अभी तक हमने 33 मेथड पढ़ लिए. नाउ फोर्थ वन इज हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हम हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि कभी कभी जब बोलते हैं कि भाई पानी जो है वो जो पानी आने की साइट होती है वहीं से गंदा आ रहा है, तो क्या प्रेफर करते हैं कि वाटर को बॉईल करके पियो, ठीक है. कोई भी फूड बाहर मत छोड़ो गर्मियों में, हमेशा रेफ्रिजरेटर में उठा के रखो. तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि भाई हमें यहाँ पे फूड को प्रिजर्व करना सिखाती हैं, जैसे कि बॉइलिंग करके माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, और जब हम चीज को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब कि बढ़ने ही नहीं देता. अगर वो वहां पे आया भी कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देगा, वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा कि तुम यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते हो, ठीक है. सो रेफ्रिजरेटर में इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और बॉइलिंग में मर ही जाते हैं, किल माइक्रोब्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली मिल्क की बात करें, मिल्क को हीट किया जाता है एट 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 सेकेंड के लिए, और फिर उसको कूल डाउन होने दिया जाता है. अगर पैस्चराइज्ड मिल्क को आप बिना बॉईल करे भी पियोगे तो क्या होगा, तब भी मतलब वो दूध, वो जो मिल्क है वो खराब नहीं होगा आपका. ओके, सो द मिल्क is heated to about 70 degree celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored, और उसको स्टोर किया जाता है, तो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उसमें फिर माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते. दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिना बॉइलिंग के भी हम इस मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये हमको हार्म नहीं पहुंचाएगा. अच्छा, जैसे कि अगर आपने कभी अपनी मदर को देखा हो कि कभी भी अगर वो टमाटो की प्यूरी बना के रखती है या कुछ भी, तो वो हमेशा बॉइल करके रखी जाती है. क्यों? क्योंकि टमाटोज जो होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, मतलब कि वो बहुत जल्दी माइक्रोब्स कैच कर लेते हैं, तो जब वो बॉयल हो जाएंगे अच्छे से और उसके बाद चिल्ड कर दिए जाएंगे, मतलब कि ठंडे कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद उसमें माइक्रोब्स नहीं ग्रो हो पाते. सेम मेथड, बट मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपकी बुक में दे रखा है जो कि आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा. ओके, सेम विद मिल्क.
मिल्क भी आपने कभी देखा होगा कि घर पे जब भी कोई मतलब मिल्क आता है बाहर से, अमूल का या मदर डेयरी का, तो जब भी हमें उस मिल्क को खोल करके प्रिजर्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हमेशा उसे बॉईल करते हैं, फिर ठंडा होने के लिए रखते हैं और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी तरीके का माइक्रोब या बैक्टीरिया या दूध खराब ना हो जाए, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। सो दीज आर डेली बेसिस एग्जाम्पल्स, बट ये जो पास्चराइजेशन है ये आपको लर्न करना है, और किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, लास्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी खुली सब्जियां भी, या वेजिटेबल्स सॉरी, बहुत सारी खुली वेजिटेबल्स भी बिकती हैं मार्केट में। जैसे कि आप अगर पाइनएप्पल की बात करो तो पाइनएप्पल क्या है, वो एक टाइट सी एक थर्माकोल की प्लेट में रख के उसको मतलब काट के और उसके ऊपर टाइटली पैक करा गया होता है पॉलिथीन से। वो टाइटली पैक क्यों करा हुआ होता है, ताकि उसमें माइक्रोब्स ना लग जाएं, ताकि वो सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, इसी वजह से उसको टाइटली पैक किया जाता है विद पॉलीथीन। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको पाइनएप्पल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जो खुली पैकिंग में मिलते हैं। ओके, सो ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अटैक उस पे ना हो, इस वजह से एकदम उसको टाइटली पैक किया जाता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये फूड पॉइजनिंग और हम फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं वो वेज समझ में आए होंगे। इसमें आपको एक तो वेज के नाम याद रखना जरूरी है, और प्लस कि वो किस चीज को प्रिजर्व कर सकता है ये चीज आपको लर्न करना जरूरी है, उसका रीजन क्या है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पास्चराइजेशन, ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। एक बार ही वीडियो देखने के बाद बुक से जरूर रीड कर लेना, क्योंकि जब तक आप बुक से रीड नहीं करते हो ना, तब तक आपको माइंड में कुछ अच्छे से सेटल नहीं होता। एक बार रीड कर लोगे तो थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज भी पता चलेगी और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी आपकी। ओके, सो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए स्टडी वेल।